वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम MFL इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो MFL इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.91 पे क्लोजिंग दे चुका है। फ्राइडे के दिन तकरीबन यहाँ पे 4.95% का अपर सर्किट लग चुका था, 9 पैसे का अपर सर्किट लग चुका था। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ओपन हुआ था अपर सर्किट लग चुका था MFL इंडिया स्टॉक के लिए और एक अच्छी मूवमेंट करता हुआ नजर आया, एक बेरिश बुलिश मूवमेंट हो रही है MFL इंडिया स्टॉक में अंदर। तकरीबन लास्ट फ्राइडेज की भी बात की जाए तो लास्ट फ्राइडेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन अपर सर्किट ही लग चुका है, 20% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है अभी तक यहाँ पे MFL इंडिया स्टॉक लास्ट फ्राइडेज के अंदर। और यहाँ पे वन मंथ की भी बात की जाए तो वन मंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं 17.18% का रिटर्न दे चुका है MFL इंडिया स्टॉक। जो यहाँ पे रिसेंट एक्ट हो रहा था 1.71 लेवल, उसको भी ब्रेकआउट देकर एक अच्छी मूवमेंट की है MFL इंडिया स्टॉक ने। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी है 68 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो 23 का है। और यहाँ पे चार्ट एनालिसिस की भी बात की जाए तो चार्ट एनालिसिस में देख सकते हो MFL इंडिया ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तकरीबन जो ऑरेंज कलर का लाइन है उसके ऊपर रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है MFL इंडिया स्टॉक। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो यहाँ पे 1.86 के करीब थी, जैसे ही 1.81 से तकरीबन 1.91 का यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लग मीन्स रैली की अपर सर्किट लग चुका है। तकरीबन अगला दिन जो आएगा मंडे के दिन तो 2 लेवल तक जाने के चांसेस है, वहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगता है तो आप देख सकते हैं कि अच्छे मूवमेंट हो सकती है 2.27 तक, यहाँ पे आज जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लगा था। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे MFL इंडिया स्टॉक के लिए।